जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एक दिव्य प्रकाश चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ज्योतिष से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिर सोमवार को ही क्यों माना जाता है शिव का दिन। वैसे तो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आप भोलेनाथ को याद नहीं करते, लेकिन सोमवार का भगवान शिव की पूजा करने की परंपरा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग दिन शिव की उपासना करने से जातक को अलग अलग फल प्राप्त होता है। सप्ताह के सभी सातों दिन में भगवान शिव की पूजा आराधना करने का फल मिलता है, तो सोमवार को विशेष दिन क्यों कहा गया है? क्यों सोमवार को ही भगवान शिव का दिन कहा जाता है? दोस्तों, आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार सोम का अर्थ चंद्रमा होता है और चंद्रमा भगवान शंकर के शीश पर विराजमान रहता है और अत्यंत ही सुंदर सुशोभित होता है। माना जाता है कि जैसे क्षमा प्रार्थना के बाद भी भगवान शिव ने चंद्रमा को इतनी कमियों के बाद भी क्षमा करके अपने शीश पर स्थान दिया है, वैसे ही भगवान शिव हमें भी सर पर नहीं तो चरणों में अवश्य जगह देंगे। यह बात याद दिलाने के लिए सोमवार के दिन ही लोगों ने शिव का वार मान लिया है। इसके अलावा सोम का अर्थ सौम्य भी होता है। भगवान शिव शांत और समाधिस्थ देवता हैं और इस सौम्य भाव को देखकर ही भक्तों ने इन्हें सोमवार का देवता मान लिया है। सहजता और सरलता के कारण सभी भक्तगण उन्हें भोलेनाथ कह के बुलाते हैं। अगली जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।